इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन फ्रिक्शन लेस वर्टिकल एक्सल रेडियस टू मीटर मोमेंट ऑफ एनर्शिया टू हंड्रेड के जी मीटर स्क्वायर इट इज इनिशियली अट्रेस्ट फिफ्टी के जी मैन स्टैंड ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म बिगिन द एज एट दीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ग्राउंड टाइम बाय द मैन टू कम्प्लीट रिशन सिस्टम है हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है सर्कुलर प्लेटफॉर्म और एक मैन इस पर प्लेटफॉर्म पर मूव करता है हमको ये बताने कि ये जो मैन इस पर एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा गिवन डेटा हमने यहाँ नोट करके रखा हुआ है <coughs> अब क्वेश्चन को देखोगे जब मैन मूव करेगा ना तो मैन अगर इस सेंस में मूव कर रहा है तो मैन क्या करेगा मूव करेगा तो एज अ रिएक्शन जो ये डिस्क है जिस पे जिस सरफेस पे ही है ये उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगेगी या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैन फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो डिस्क अपने पैर से वो डिस्क को पीछे करेगा और तो डिस्क पीछे और मैन फॉरवर्ड मूव करेगा ठीक है तो इस प्रोसेस में जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में हमको यहाँ पे पता है कि इट इज इनिशियली एट रेस्ट तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया मेरा जीरो फाइनल फाइनल कौन कौन मैन भी चल रहा है डिस्क भी घूमेगी अगर मैन ऐसे चल रहा है तो डिस्क अपोजिट सेंस में आएगी तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है ठीक है तो मैन जाएगा इधर और सपोज करते हैं डिस्क जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में तो आई पी ओमेगा पी मैंने पर्सन के लिए लिख लिया है ना आई एम ओमेगा एम मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है सॉरी ये पी वाला मैंने प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया है और एम वाला सब्सक्रिप्ट मैंने मैन के लिए यूज़ किया है ठीक है ना अच्छा अब हम इन इसको सॉल्व कर लेते हैं जीरो की इक्वल है ये तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आई एम ओमेगा एम बराबर आई पी ओमेगा पी राइट अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन मैन का मूवमेंट ऑफ़ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर एम इसका मास आर स्क्वायर इसका सेंटर से डिस्टेंस से <coughs> और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा की जगह लिख सकते हैं वी बाय आर है ना ये फॉर्मूला हमको पता है वी और ओमेगा में रिलेशन तो ओमेगा को लिख लिया हमने वी बाय आर अब जो वी है मेरे पास ये कौन सा वी है दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना ये हमको जो क्वेश्चन में गिवन है ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है राइट अच्छा यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो एम वी आर आ जाएगा और यहाँ पे आई पी ओमेगा पी रह जाएगा आई पी ओमेगा पी गया मुझे ओमेगा की की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा पी कितना आ जाएगा मेरे पास आई पी को नीचे ले लो ना तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम मास हमको पता है ठीक है मास हमको फिफ्टी के जी दिया हुआ है सेकेंड तो ये मेरे पास क्या है मेरे पास आया ओमेगा पी ओमेगा पी भी बोल सकता हूँ इसको ओमेगा पी जी भी बोल सकता हूँ मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमको पता लग गई कैसे पता लगी हमको जब मैन चलेगा इतनी वेलोसिटी से तो प्लेटफॉर्म घूमेगा है ना प्लेटफॉर्म कितनी वेलोसिटी से घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म घूमेगा जीरो पॉइंट फाइव रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा अच्छा ठीक है अब मुझे पता लगाना है कि मैन जो है एक जो इसमें रोटेशन है कंप्लीट रिवॉल्यूशन है कितने टाइम में कर लेता है ठीक है अब मैन भी चल रहा है प्लेटफॉर्म भी चल रहा है दोनों चीज़ें चल रही हैं आ रही बात समझे तो रिलेटिव विलासिटी का कंसेप्ट यूज होगा जो आपने लीनियर मोशन में भी पढ़ा होगा ठीक है ना वन डी मोशन में अब देखो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा एंगुलर लॉसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एंगुलर लॉसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो सिंपल फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए राइट right. तो अब मुझे ये चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्योंकि मेरे को दी हुई है एंगुलर वेलोसिटी मेरे को पता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी पता है एंगुलर निकाल सकता हूँ मैं ठीक है मेरा पर्सपेक्टिव क्या है मुझे निकालना है टाइम पीरियड और टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को मेरे को पता है क्योंकि एक बार गोल घूमेगा ये तो कितना रेडियन चलेगा टू पाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना तो डिस्टेंस मेरा हो जाएगा टू पाई स्पीड मेरी हो जाएगी एंगुलर विलोसिटी राइट तो एंगुलर विलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म चाहिए मेरे को ठीक है ना तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो यहाँ वैल्यू सब्ट्यूट कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है वन बाय टू ये कैसे निकाली मैंने बिल्कुल सिंपल है ना ओमेगा ओमेगा बराबर क्या होता है वी बाय आर ठीक है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो लीनियर ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है ना मेरे को ऊपर लिखी हुई है वन और आर क्या है टू ये देखो मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वन है और रेडियस कितनी है टू है तो एंगुलर लॉसिटी कितनी हो जाएगी मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वन बाय टू है ना तो वन बाय टू आ गया अच्छा और <coughs> एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमने ऊपर निकाल ही ली है जीरो पॉइंट फाइव अच्छा अब जब मैं इसकी क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी वैल्यू सब्स्यूट करूंगा तो माइनस जीरो पॉइंट सब शूट क्यों क्योंकि अगर मैन की एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इस प्लेटफॉर्म की नेगेटिव होगी क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ जो मोशन है वो अपोजिट है तो किसी की भी पॉजिटिव और अगर एक की पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे की नेगेटिव लेनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी ये भी वन बाय टू और ये भी वन बाई टू है तो जो एंगुलर लॉस्टी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है वो वन हो जाएगी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अपन ने ऐसे पढ़ा था ना सपोज़ करो एक कार यहाँ से टू मीटर पर सेकंड से जा रही है उधर से एक कार थ्री मीटर पर सेकंड से आ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइव हो जाएगी क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो कार आ रही होती हैं तो उनकी वलास्टी इज ऐड हो जाती हैं ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे ना अपोजिट डायरेक्शन में ये अपोजिट और ये ऐसे घूम रहा है दोनों की एंगुलर लॉस्टी अपोजिट डायरेक्शन में तो ये भी ऐड हो जाएंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको ठीक है तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई मेरे पास मैन की विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे हम लोग ठीक है तो टाइम आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे वन सब्स्यूट करा तो टाइम आ जाएगा टू पाई सेकेंड्स ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो